ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिए। क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, और इस क्वेश्चन में लगभग लगभग मान के चलो ना, अगर जो बच्चा ये वाला सवाल कर लेता है ना, तो मैक्सिमम काफी हद तक ना उस बच्चे का प्रोसेस अकाउंट क्लियर हो जाता है। देखते हैं सभी बच्चे आ गए या नहीं आए। आ गए, चलिए इसे बंद। चलिए सर पहले फॉर्मेट बना ले, बाद में पढ़ लेंगे। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में हमारे। क्वेश्चन में कहता है कि आप प्रोडक्ट, और ये सर क्वेश्चन जो है ना, ये आपकी किताब का ही है, महेश्वरी मित्तल का। आप प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेस ए बी सी, ए बी सी तीन पार्टर है, द नॉर्मल वेस्टेज आपका दे रखा है, यानी सर नॉर्मल लॉस है, ये जो परसेंटेज है ना ये नॉर्मल लॉस का, ए प्रोसेस में से 3, बी में से 5, सी में से 8। वेस्टेज प्रोसेस ए का 25 पैसे के हिसाब से बिकेगा, यानी इसका जो बेचेंगे वो 25 पैसे के हिसाब से, बी का जो बिकेगा वो 50 पैसे के हिसाब से बिकेगा, और प्रोसेस सी का जो बिकेगा वो 1 रुपए के हिसाब से। 10,000 यूनिट इशू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए के अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया 10,000 यूनिट, और 10,000 यूनिट बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर एट द कॉस्ट 1, यानी 1 रुपए का ही यूनिट था जिसे हमने इंट्रोड्यूस किया। अदर एक्सपेंस दे रखा है, प्रोसेस ए के एक्सपेंस है, प्रोसेस बी के एक्सपेंस है, सेम सी के हैं। कहता है प्रोसेस ए में से हम 9,500 यूनिट बनाने में कामयाब हुए, बी में से 9,100 और सी में से 8,100। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, अज्यूम देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक। ओके, वैसे भी हम मान रहे थे। नॉर्मल वेस्टेज एबनॉर्मल सारी चीजों को बना के दिखाना है। मैं मिटा देता हूं, फिर से साफ सुथरा क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है। चलिए सर फॉर्मेट बना लेते हैं, यानी एक नॉर्मल, एक एबनॉर्मल और एक आपका प्रोसेस, सॉरी नॉर्मल एबनॉर्मल और एक एबनॉर्मल गेन, तीन तो ये लॉस हो गए। इसके बाद एक बनेगा क्या हमारा प्रोसेस ए बी सी, 6 कॉलम बनेंगे, यानी 6 अकाउंट बनाने हैं टोटल हमें। ठीक है, तो फटाफट से 6 अकाउंट बना लेते हैं बिना डिले किए हुए। आप भी मेरे साथ साथ अकाउंट बना लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। देखिए भाई फटाफट बना लेता हूं 6 अकाउंट, भाई ज्यादा डिटेल है नहीं, छोटे छोटे से अकाउंट बनेंगे, लेकिन मैं ना 3 अकाउंट यहां बनाऊंगा और 3 पीछे ले जाऊंगा। सोचा कल के ऊपर ले जाऊंगा, फिर आप सब आए हो कहीं ना कहीं, फिर वो कल कुछ बच्चों का कॉलेज भी है। फोन खराब हो गया, चलिए सर कुछ बहुत डेली बेसिस पे जो स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप ना, पुरानी प्रोसेस की 2 क्लासेस हो चुकी है बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो आप उसे पहले देख लें तो आपको एकदम सिंपल चैप्टर लगेगा। अगर डायरेक्टली जो बच्चा देखेगा तो उनको दिक्कत होगी आज की क्लास, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस क्लास है।
प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। चलिए सर, इसमें यूनिट, पर्टिकुलर, अरे पर्टिकुलर कहाँ सर, रुपीस, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, यूनिट रुपीस, ठीक है। बाकी पर्टिकुलर होता ही है। तीन अकाउंट बनाते हैं, नॉर्मल वाला हम बाद में बना लेंगे। बहुत एक तरीके से मान के चलो सब कुछ आ जाता है इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद ना इस प्रोसेस में दो क्वेश्चन बच जाते हैं एडवांस वाले, एक ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जिसमें गिवन हो वो, और एक पीएनएल वाला। दो क्वेश्चन करने के बाद सिंपल प्रोसेस खत्म, उसके बाद इक्विवेलेंट आ जाता है हमारा। तो चलिए सर, हमने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया। पढ़ने के बाद सबसे पहले साफ साफ राइटिंग में लिख देते हैं, जिसको दिखाई नहीं दे रहा बोल देना, साफ साफ बोल देना सर विजुअल नहीं हो रहा बोर्ड पे, मैं थोड़ा और स्मॉल कर दूंगा, कर ही देता हूँ। ठीक है जी, अब आ दिख रहा होगा। टू इनपुट, कौन बच्चा बताएगा इनपुट कितना डाला? 10,000। और कितने रुपए का? 1 रुपए के हिसाब से 10,000, ठीक है। उसके बाद कहता है मटेरियल डाला 1,000 का, और टू मटेरियल कितने? 1,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने? 1,050। कोई बात नहीं, फिर लेबर लिख देते हैं। लेबर कितने का? 5,000। एक्चुअल आउटपुट का मतलब ना सर, यहां से जो भी आउटपुट निकला है ना, ये जाएगा इसमें, समझे? किसमें जाएगा? प्रोसेस बी में जाएगा। तो बाय लिख देते हैं। कितने? अब कितने का होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा। नॉर्मल लॉस देख लेते हैं भाई साहब, है कितना नॉर्मल लॉस, चलिए चेक करते हैं। हमारा प्रोसेस ए की कहानी है ये, प्रोसेस ए का सारा पार्ट। सर हमारा इनपुट था 10,000। सर इसके अंदर से नॉर्मल लॉस, सवाल खुद ही कह रहा था कि कितने परसेंट लेना है, 3%। तो 3% दैट इज 300। तो कायदे से देखा जाए तो 9700 का यूनिट आउटपुट निकलना चाहिए। हिसाब किताब देखा जाए तो कितना आउटपुट निकल जाना चाहिए? 9700। लेकिन सवाल खुद कितना बता रहा है? तो क्या हुआ ऐसी कहानी, 200 रुपए का एबनॉर्मल लॉस। तो लो जी बाय साइड में एब, अरे पहले नॉर्मल तो लिख ले, यानी यानी दोनों लॉस है इसमें, तो नॉर्मल लॉस भी है, बाय साइड में एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस सर 300, एबनॉर्मल 200। 300 बिकेगा 25 पैसे के हिसाब से, यानी 75। सर कोई बच्चा पूछेगा तो 0.25 से मल्टीप्लाई करो, 0.25 से मल्टीप्लाई करो। एबनॉर्मल का रेट निकालना होगा। एब बेसिकली एबनॉर्मल का रेट नहीं होता, वो रेट होता है। तो रेट निकालते हैं, इफेक्टिव रेट बोलते हैं इसे हम। इफेक्टिव रेट यानी हम पहले करेंगे टोटल कॉस्ट, कितने आ गए? 17,050। 17,050 माइनस 75, 17,050 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 300। कौन बताएगा रेट? 200 एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल ठीक, नेहा ने जवाब दिया 200 एबनॉर्मल लॉस। पता नहीं क्या आवाज, बताओ बताओ भाई, माइनस प्लस करके आपकी ड्यूटी है ये, मुझे वाणी नहीं बताना। सत्रह पॉइंट 17.5, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.5 से इंटू 200, 3500। 3500, अब मैंने भी कैलकुलेटर ले लिया। अब इसमें से डिफरेंस ले लो, 17,050 माइनस में 17,050 माइनस में 75 माइनस, भाई लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं वो भी चेक करें, ऑफलाइन वाले गलत बता देते हैं। 17,050 माइनस 75 माइनस 3500, 13,475।
हाँ ये गलत लग रहा है, एक मिनट, गलत बता दिया, अभी दोबारा लिख रहा हूँ। यस 1.75। लाइव में सभी बोल रहे हैं सर 75 लिखने से आए हैं, 1.75। 75 कहाँ से आया है और कौन सा 75 पूछा? अच्छा ये 75 कैसे आया, ये मल्टीप्लाई किया भाई ये 25 पैसे को, इस 25 कह रहा था ना कि नॉर्मल लॉस बिकेगा, तो 0.25 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, आप समझ लो। अब सर 1.75 पहले गलत करवा दिया, मैं इसलिए कहता हूँ लाइव वाले बच्चे ज़्यादा अलर्ट रहें, ऑफलाइन वाले बच्चों पे भरोसा किया नहीं जा सकता। 350, 16600, 16625। अब यहाँ आएगा टू प्रोसेस, कौन सा ए, सर प्रोसेस ए से निकल के आया 16625। चलिए अब फिर से क्या डालेंगे, टू टू टू, आप मुझे बताइए मटेरियल कितना, लेबर कितने, अदर एक्सपेंस 1100। ये बड़ा अजीब नंबर दे दिया इन्होंने। चलिए प्रोसेस बी का हिसाब किताब, प्रोसेस बी से करके देखते हैं। प्रोसेस बी में क्या था, इनपुट 9500, कहता है इसके अंदर नुकसान हो सकता है, संभावना 5%, तो नॉर्मल लॉस 475 का नुकसान, और माइनस अगर कर दें तो 9025 बचना चाहिए। सवाल कहता है भैया हम बनाने में कामयाब हो गए 9100, यानी अगर आपने 9100 तो बना दिया तो मतलब क्या समझे 75 एबनॉर्मल गेन 75, समझो 9025 ही बनाते ना भाई, लेकिन बना के कितना दे दिया 9100, तो 75 ज्यादा बना दिया तो एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन यहां लिख दें, एबनॉर्मल गेन सेवेंटी फाइव, इसका रेट निकालने के बाद ही हो सकता है। तो जी रेट क्या निकलेगा, रेट टोटल कर लेते हैं 16625, 1500, 8000, 1188, 27313 माइनस नॉर्मल लॉस, इधर लिखा नहीं लिख देते हैं, बाय नॉर्मल लॉस कितने थे, नॉर्मल लॉस 475, कितने रुपए के हिसाब से 0. तो कितने हो गए 237.50, 237.50 मैंने 238 कर दिया राउंड फिगर में, ठीक है 238। ये रहा ना, अभी लिखा तो है यहाँ पे, यही तो बता रखा है यहाँ, देखो अभी बताते हैं 9025 माइनस करके रेट निकालो, ये देखो कितने 3 रुपए। ओके सर एबनॉर्मल गेन 3 से कर दो, 75 × 3 225, ये 9500, 75, 9500, 75 और टोटल कर लेते हैं 16 कितना 313 तो पहले ही था, 225 भी तो ऐड करोगे 538।
बाई साइड में आ जाएगा प्रोसेस, कहां पहुंचा है, सी में, कितने यूनिट, अब माइनस डिफरेंस ले लो 27,300। सर यहां आ जाते हैं टू प्रोसेस बी 9100, 27,300, टू लग गया मटेरियल कितने, मटेरियल लग गया सर 500, टू लेबर 3500, 6500, टू ओवरहेड डायरेक्ट एक्सपेंस यानी 2,000, 9,000, ये कैसा डिजिट है, ये कितना था, और ये 2009। चलिए इसका यही करते हैं, नॉर्मल लॉस कहता है सर, नॉर्मल लॉस इसका 8% होगा, 8% किसका, 9100 का, तो 9100 का 8% 728। और आपको अच्छे से पता है, नहीं पता तो देख लो कितने का बिकेगा ये, ₹1 का, तो इनटू में वन करेंगे इसको 728। यहां कैलकुलेशन देख लेते हैं सर, कितना आउटपुट निकला, उसे बोलेंगे फिनिश गुड्स। सवाल में कहता है जी फिनिश गुड्स हो गए 8100। सर अगर 8100 फिनिश गुड्स हो गए तो यहां करके दिखा देता हूं, यहां कर देता हूं, ठीक है, जगह थोड़ा सा, इनपुट ये प्रोसेस नंबर सी है, इनपुट कितना है 91, नॉर्मल लॉस 7 to 8, 91 माइनस में 83, बट निकला कितना, तो एबनॉर्मल लॉस माइनस 8100 272, सर 275 एबनॉर्मल लॉस 272। इसका रेट निकाल लो सर, इसका रेट मैं यहां निकाल देता हूं सर, इसका रेट टोटल कॉस्ट 36,300 - 700 - 3900 - 36,700 - 3900 - 36 - 700 - 91 में से जब माइनस करोगे तो 8300 क्या रेट आया, रेट बता दो, फोर पॉइंट टू फाइव 1156, ठीक है, अब 1156 प्लस 728 माइनस 36,309 आ गया 34,400, टोटल आ गया 91 36,300। इस अकाउंट में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो हम नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन पे चले। बताइए, जिसको विजुअल नहीं हो रहा विजुअल करा देते हैं, ये लीजिए, किसी को डाउट, आगे चले नेक्स्ट अकाउंट पे, देखते हैं सारे बच्चे वापस आए या कुछ बच्चे चले गए घूमने फिरने, लगभग आ गए, चलो करें, चलिए सर तीन अकाउंट एकदम फटाफट रफ्तार में बनाते हैं, और ज्यादातर बच्चे ना इसमें दिक्कत होती है, क्यों,
और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी ना मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जब मैं भी अपने टाइम पे करता था ना इसको, तो इसी में लगता था क्या आफत है ये, लेकिन 2 से 3 बार करने के बाद लग रहा था कि यही आए पेपर पे, क्योंकि असली आफत तो अभी आएगा आपका जब इक्विवेलेंट मेथड करेंगे। नॉर्मल लॉस, तीन अकाउंट बनने हैं। एबनॉर्मल लॉस, और इसको गेन बोल दो या फिर एक और नाम बताया था, याद है? या फिर एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना? चलिए सर, करने का बहुत आसान तरीका, नॉर्मल लॉस को निकाल लो, यहां से नॉर्मल लॉस, यहां से नॉर्मल लॉस, यहां से, ये बाय में तो सबको टू में उठा के ले जाओ, तो नॉर्मल लॉस में टू प्रोसेस ए, प्रोसेस ए से टू प्रोसेस बी, प्रोसेस बी से टू प्रोसेस सी, प्रोसेस सी से, पहले में 300 था, दूसरे में 475, दूसरे में 475, 300 था 75 रुपीज का, 475 था 238 का, और तीसरे में 728 था 728 का। क्लियर है ये पॉइंट? अभी तो ट्रांसफर कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस में ले जाते हैं, टू प्रोसेस ए में भी था और टू प्रोसेस सी में, बी में था ही नहीं। ए में कितना था सर? 200। सी में कितना आया था सर? 300 या 200? 272, और वहां 350 रुपये रेट आया था, 350, और यहाँ 272, कितना रेट आया यहाँ पे? 1156। एबनॉर्मल इफेक्टिव में बाय साइड में, क्योंकि यहाँ टू में निकला था तो बाय में, बाय किससे? प्रोसेस प्रोसेस बी से, कितने? 75, कितने रुपए का? 75, 225 का। अगर आप बोलोगे ना सर आपने ये कैसे कैसे किया, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पोस्टिंग किया, टू वाले को बाय में, बाय वाले को टू में। फटाफट बता दीजिए किसी को कोई डाउट तो। इसमें किसी को डाउट नहीं? जितने क्लास में, लाइव क्लास में बच्चे, बता दीजिए इसमें किसी को डाउट नहीं है? डाउट? अब हम क्या करेंगे, अब हम बारी बारी करके इसको पहले बेच देते हैं, स्क्रैप करने जा रहे हैं। तो भैया प्रोसेस ए के अंदर बेचने जा रहा हूं, अलग मार कर ले लेते हैं, तो बाय बैंक, ए का तो सारा ही बिकेगा, तो सर 300 बिक गया 75 में, बाय बैंक। सर बी का ना हम 475 नहीं बेचेंगे, क्योंकि 475 का नुकसान हुआ, जिसमें से गेन भी 75 का हो गया, तो सिर्फ 400 ही बेच पाएंगे इसका, जो कि कितने का बिकेगा? 200 का, और सी का पूरा बिक जाएगा 728, 728, और जो भी निकल जाएगा वो कहां पहुंच जाएगा? एबनॉर्मल गेन में। टोटलिंग कर लेंगे अभी, 1041 यूनिट, 1503 यूनिट, माइनस कर दो 38, और ये 2 आ जाएगा 38, कितने यूनिट आ गए? 75 यूनिट, और कितने रुपए का निकालेंगे? 38, ठीक है? अब इस अकाउंट को बंद कर दें, ठीक है? इस अकाउंट को जब हम बंद करेंगे तो इसको भी बेचेंगे, बेचो भाई बाई साइड से। याद होगा लास्ट क्लास में सभी बच्चे ने बोला था ये बिकेगा इस रेट से, उस रेट से, फिर मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था भैया स्क्रैप तो स्क्रैप होता है, वो सेम रेट से बिकता है। प्रोसेस ए का 50 पैसे का रेट से बिका है, तो ये 200 यूनिट 50 पैसे के रेट से बिकेगा, कितना? नहीं, 25 पैसे के रेट से कितने का बिकेगा? 50। ये प्रोसेस सी का है, तो प्रोसेस सी का 272 था, तो ये 1 रुपए के हिसाब से बिका था, और यहाँ पे, यहाँ से क्या निकलेगा हमारा?
यहाँ एबनॉर्मल में चला जाएगा, 75, 225, 38, 75 और 2 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। सर ये कितना बच गया, 0, और यहाँ अमाउंट कितना बचा हमारा, ये 225 आएगा, यहाँ 225 आएगा। अरे 225, 18, तो एबनॉर्मल में चले जाएगा, 2 साइड में जाएगा, बाय में जाएगा, बाय में चला जाएगा। सर बाय में किस नाम से जाएगा, एबनॉर्मल गेन कितने, 180। अब आएगा जो भी वो आ जाएगा कॉस्टिंग सीपीएल, है ना, अब आएगा सीपीएल, टोटल करो 472, 472, 1500 माइनस कर दो, 997, इतना ज्यादा चेक कर लो, चेक करिए फटाफट, दिखाओ ठीक है सर। अब कुछ बच्चे बुक को चेक करेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, ये जो है हमारा ना ये नेट है, अब समझ लेना ये नेट है। कई बार क्या होता है, बुक वालों ने क्या करा है वो भी मैं समझा देता हूँ, वैसे भी कर सकते हो, ये अलग मार्कर से कर रहा हूँ। ये वाला जो है ना इसको सीपीएल छोड़ दिया उन्होंने कि ये अलग प्रॉफिट एंड लॉस के, हम पता है क्या, अब आगे दो क्वेश्चन कराऊंगा ना खुद ही बोलूंगा हाँ सर वहां ठीक कराया था। क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि हम ये वाला प्रॉफिट है ये पीएनएल के क्रेडिट हो जाएगा जाके, और ये लॉस है तो पीएनएल के, लॉस कितना आएगा जो आपके बुक में दे रखा है ना 1100, जो भी आ रहा है बुक में 1100 कितना है 84 आ जाएगा, और ये प्रॉफिट है तो नेट करके जाएगा तो यही आएगा। तो मैंने ये नेट निकाला तो कोई गलती नहीं आंसर में, आंसर एकदम ठीक है, इसको कोई बड़ा मतलब कि टेंशन लेने वाली बात नहीं, आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसको कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ओके, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो मैं मान के चलता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 15 नंबर का आ सकता है। अरे फोन भी बंद हो गया, किसी को डाउट, अब ध्यान से सुनिए, आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जा रहे हैं, एक ये क्वेश्चन होमवर्क में होगा, समझ लीजिए मटेरियल है, कहता है कि भैया दो ही प्रोसेस है, शायद मैंने करा तो नहीं दिया, ये करा दिया नहीं अभी, नहीं मैंने अपने हाथ से कराया कि नहीं करा, तो आप कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद ये भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और ये भी होमवर्क में करना है, और इससे पहले तो हम करा ही रहते हैं, ये भी होमवर्क में करना है, तो आज होमवर्क दे देते हैं आपको, बाकी फिर मैं तो कराऊंगा ही। इसके बाद ये कौन सा देखते हैं, वैसे तो ये भी होमवर्क में होगा, ये भी हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, ये मुझे करा भाई, यहां तक क्वेश्चन करके आना 18 तक, मैं लिख देता हूं आपको, ये मिल जाएगा